A God-owned building is in the form as shown in the figure. The vertical cross section parallel to the width side of the building is a rectangle 7m into 3m mounted by a semicircle of radius 3.5 cm, and the inner measurement of the cuboidal portion of the building are 10 mm, 7 mm, and 10 mm into 7 mm into 3 mm. Find the volume of the godown and the total interior surface area excluding the floor. तो अगर हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे सबसे पहले, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ए ऑफ क्यूबॉइडल प्लस वॉल्यूम ऑफ कर्व्ड पार्ट. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल के लिए मैं लिखता हूँ सी यू बी ई, क्यूबॉइडल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कर्वेचर पार्ट. तो उसके लिए कर्व लिख देता हूँ, ठीक है. अब क्यूब पार्ट के लिए क्या है? ये क्यूबॉइड है ना, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? इसकी साइड क्या है? 7, 10 एंड 3. तो इसका वॉल्यूम क्या जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच. तो इट इज इक्वल टू 7 × 3 × 10 प्लस वॉल्यूम ऑफ कर्व क्या हो जाएगा? कर्व्ड पार्ट क्या है इसका? इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई टू. पहले तो जो हाफ पार्ट है वो रहेगा पाई आर स्क्वायर. कितना है इसका? रेडियस है इसकी 3.5, और आई कैन से 7/2. तो आएगा पाई आर स्क्वायर इज 7/2 × 7/2 पाई आर स्क्वायर. और एच क्या हो जाएगी? एच सी. इसके लिए क्या होगा? हमें लंबाई लेनी पड़ेगी हाइट की तरह, है ना. तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी? इंटू 10. बट ये क्या है? सेमी सर्कल है, तो इसके क्या जाएगा? अपॉन में 2 भी आ जाएगा. नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैल्यू. तो 10 × 3 = 30, 30 × 7 = 210. पाई क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा 22/7. तो 22/7 क्या जाएगा? 11. 11 × 7 = 70, 70 × 10 = 770. तो आ जाएगा 770/4. यू वांट टू पुट कर देता हूँ लेट्स से वैल्यू. तो पाई क्या है हमारा? पाई इज 22/7. तो 7 से 7 कट डाउन, 2 से 22 कितने टाइम्स कट डाउन हो गया? 11 टाइम्स. अगेन 2 से 10 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स. तो 11 × 7 = 77, एंड 77 × 5 = 385. और अपॉन में क्या है हमारे पास में? 2 भी है. तो इट इज इक्वल टू प्लस 385/2. 385/2 की वैल्यू क्या जाएगी? 192.5. तो 210 प्लस 192 ये क्या जाएगा? 402.5. और यूनिट्स क्या है सबकी? मीटर क्यूब. तो आ जाएगा मीटर क्यूब. ये आ गया हमारा मीटर क्यूब. अब हमें दूसरा क्या करना है? द टोटल इंटीरियर सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग द फ्लोर. तो अगर मैं देखूंगा तो इसमें कितने टाइप के हमारे पास में सर्फेसिस हैं? सी, सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास में एक ये कर्व्ड पार्ट है, एक ये आगे का सर्कल है सेकंड पार्ट, एक ये थर्ड पोर्शन, और एक ये ऐसे फोर्थ पोर्शन, है ना. ये चार टाइप का एरिया है. लेकिन जो हमारा जो सर्कल सर्कुलर पार्ट है ये ऐसे क्या? एक आगे होगा और एक पीछे भी होगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा. सिमिलरली फोर्थ में भी क्या होगा? एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा. और इसमें भी ऐसे एक फ्रंट में और एक बैक में भी होगा, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा. तो अगर मैं इसका पूरा एरिया लिखूंगा तो एरिया कितना जाएगा? एरिया लिखने के लिए मैं एरिया साइड में लिखता हूँ, है ना. तो एरिया इज इक्वल टू सबसे पहले कर्व्ड पार्ट का लिखता हूँ. तो कर्व्ड पार्ट का एरिया क्या जाएगा? 2πr × 10, क्योंकि 2πr क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस, उसका हाफ है वो. तो 2π, आर कितनी है यहाँ पे? आर है 3.5, और आई कैन से 7/2. ये तो 2πr है, इसका भी हाफ है बाई 2 × 10 प्लस. अब क्या हो जाएगा? ये सर्कुलर पार्ट वाला आगे का क्या है? पाई आर स्क्वायर. 22/7 आर एस 7/2 × 7/2, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. अपॉन में आ जाएगा हाफ, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, और इंटू क्यों? 2 टाइम्स. तो क्योंकि ये क्या है? एक बार आगे और एक बार पीछे, 2 टाइम्स है. और इसमें क्या ऐड होगा? अब थर्ड और फोर्थ रीजन का लिखेंगे हम. तो थर्ड रीजन के लिए क्या लिखूंगा? ये हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी डायमेंशन क्या है? 7 और 3. तो 2 टाइम्स ऑफ 7 × 3, और ये जो फोर्थ वाला इसका क्या जाएगा? 10 × 3. तो 2 टाइम्स ऑफ 10 × 3 प्लस 7 × 3. तो 2 टाइम्स ऑफ 7 × 3 प्लस 10 × 3. नाउ वैल्यू क्या जाएगी? ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट डाउन हो जाएगा. और पाई क्या होता है? पाई होता है 22/7. तो 7 उससे कट डाउन हो जाएगा, है ना. ये क्या बचेगा हमारे पास में? ओनली इसे कट करने के बाद 22 यहाँ पे बचेगा, क्योंकि 22/7 × 7 कट डाउन हो गया. अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? ये 2 तो हम इस 2 से कट कर चुके हैं, 22/7 × 7 = 22. अब इस 2 से मैं कर सकता हूँ 22 को 11 टाइम्स डिवाइड कर सकता हूँ. तो वैल्यू क्या जाएगी? 110. फिर यहाँ से भी 7 से 7 कट डाउन, 2 से ये 11 टाइम्स कट डाउन, ठीक है. अब वैल्यू क्या गई यहाँ से? ये अगेन 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट डाउन हो जाएगा. हमारे पास बचा क्या? 77 बाई
टू, तो यहाँ से आ गया हमारे पास में 77/2। क्योंकि ये क्यों आया ऐसा, ये था पाई आर स्क्वायर, तो आई आर स्क्वायर बाई टू, हाफ ही लेगा इंटू टू, तो टू से टू पहले कट डाउन हो गया, सेवन से सेवन कट डाउन हो गया, फिर एक टू से ये टू कट डाउन हो गया, तो 11 × 7/2, तो 77/2 प्लस 7 × 3 कितना होता है 21, 21 प्लस 30 इज 51, तो 51 × 2 इज 102, तो वैल्यू क्या जाएगी 77/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज 38.5, तो आएगा इट इज इक्वल टू 110 प्लस 102 इज 212 प्लस 38.5, तो वैल्यू क्या जाएगी इट इज इक्वल टू 250.5 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी नॉट सेंटीमीटर क्यूब, इट इज मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी डायमेंशन क्या है मीटर में। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 250.5 मीटर स्क्वायर।